मुझे पकड़ के दिखाओ मोगली। आसानी से पकड़ लूंगा डाजी। यहाँ के बंदर कहाँ गए? दिन भर तो वो यहाँ उधम मचाते रहते हैं। डाजी कहाँ हो तुम? काला हे, मोगली पे हमला मत करना। हमें बल्लू और बघीरा को बताना होगा कि काला वापस आ गया है। उसने सभी बंदरों को खा लिया क्या? अरे नहीं, उसके पेट से तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सभी बंदर भाग गए होंगे। अरे नहीं, ये सब तो यहाँ है। तुम दोनों ने इन बंदरों को ऐसा करने कैसे दिया? हम सो रहे थे, उन्होंने तभी ये सब किया। अब जल्दी से हमें खोलो वरना। इतनी भी क्या जल्दी है इंसानी बच्चे, पहले रानी माशा से तो पूछ लो। हा? नहीं माशा, ऐसा मत करो। अच्छा, ताकि ये दोनों हमें यहाँ से भगा दें और वहाँ काला हमें कच्चा चबा जाए। हम उनसे निपटेंगे, मैं और बलू दोनों मिलकर उसे भगा सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं ताकि तुम हमें यहाँ से भगा दो? तुम मुझे जाने दो, मैं भी उसे भगा सकता हूँ। नहीं मोगली, तुम काला से नहीं भिड़ोगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ सोचने दो, एक धांसू आइडिया। पर चालाक ही नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त को मक्खी से कटवा दूंगी। हाँ ठीक है, कोई चालाक ही नहीं। इससे बात बनेगी। मोगली, हेलो। डाजी, कहीं काला सुन ना ले। वैसे तुम माशा से बचकर कैसे निकल आई? मैंने चोंच मारी, बहुत तेज है ये। इंसानी बच्चे, इस बार तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। लगा नहीं था इतनी जल्दी बात बन जाएगी। हमें भी भूख लगी है। अपना मुंह खोलो, रानी माशा खाने को देगी। हम बच गए मोगली, पर काला फिर से खंडहरों में चला गया। कोई बात नहीं, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है? काला के लिए बड़ा सा सरप्राइज। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या हुआ काला, मुझसे डर गए क्या? तुम बहुत जल्दी में रहते हो काला, थोड़ा इंतजार करो। बलू और बघीरा को तो यहाँ आने दो, वो ही तुमसे निपटेंगे। काला को ऐसे जाल से निपटना आता है। अरे नहीं, इस काला को भगाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर नामुमकिन भी नहीं है, बस थोड़ी मदद की जरूरत है मोगली। बात तो सही है डाजी। तो हार के आ गए? हाँ, जानती थी उस काला के सामने बच्चे हो तुम। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, पर मुझे बलू और बघीरा की मदद चाहिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें खोलूंगी तो ये मुझे ही भगा देंगे। नहीं भगाएंगे, यकीन करो हमारा। हाँ। तो बोलो माशा, तुम मुझे बच्चा कहती हो, तुम्हारा क्या? तुम खुद को रानी कहती हो, पर उस काला ने तो तुम्हें तुम्हारे इलाके से निकाल दिया, अब बताओ। उसने मुझे नहीं निकाला,
तुम तो दम दबाकर वहाँ से भाग गई। अगर तुम असली रानी होती तो उसे जंग लड़ती। असली रानी अपनी जनता की रक्षा करती है और अपना इलाका हासिल करती है, तुम्हारी तरह दम दबाकर भाग नहीं जाती। मेरे साथ चलो। अब क्या करें? अब सबसे पहले इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। अब एक रानी होने का फर्ज निभाओ माशा, इन्हें जंग के मैदान में ले चलो। रानी के पीछे आओ, ठंडी गुफा के खंडरों में। घबराओ नहीं, मैं जीत कर ही लौटूंगा। ओ, अब और नहीं सहा जाता, यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। बहुत हुआ, हमें जाने दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सपनों में भी नहीं। तुम झूठे हो। तुम्हें मान गए दाजी, वाह क्या दिमाग पाया है। वो रहा काला, वहाँ देखो माशा हमारे इलाके में कैसे शान से घूम रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, ये इलाका रानी माशा का है। हमला करो। दुआ करो मोगली को कुछ ना हुआ हो। माशा, कुछ तो करो। माशा, तुम रानी नहीं, तुम एक डरपोक बंदरिया हो। मैं किसी से नहीं डरती। आज के बाद कभी मत देखना काला। चलो हमें हमारा इलाका मिल गया, अब तुम सब भी जा सकते हो। जैसे तुमने हम पर एहसान किया हो। तुम्हें शुक्रिया बोलूं? रानी माशा और उसकी प्रजा तुम्हारे लिए गाना और नाच दिखाएगी। नहीं नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। ओ, अब तो देखना पड़ेगा।
इतना हिल क्यों रहे हो तुम दोनों? वो हम बहुत खुश है ना इसलिए। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों से पहली बार मिलेंगे ना। वैसे मैं दो बड़े हाथियों को देखने के लिए बेताब हूँ। मैं भी, और उनका एक बेबी भी आ रहा है। हाँ, हमारा प्यारा सा कजिन लूडी। तुम्हें वो दिखे क्या? बोलो ना मोगली। सॉरी हीटा, नहीं देखा। इतने दिनों के बाद अनाली और पाशा के आने की हमें बहुत खुशी है, इसलिए हम उनके लिए फल इकट्ठा कर रहे हैं। पर मुझे अब फिक्र हो रही है, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। वही तो, मैं जल्दी से जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। तब तक आप जश्न की तैयारियाँ करो। ओह शुक्रिया मोगली। अगर मैं खाती होता तो मैं कहाँ जाता? वो रहे वहाँ कीचड़ में। ओहो, पर एक कीचड़ में क्या कर रहे हैं? अरे तुम कहाँ से टपक पड़े? डाजी, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैंने अभी अभी हाथी के रिश्तेदारों को देखा और मुझे लगता है वो मुसीबत में हैं। क्या तुम ये बात जाकर हाथी को बता सकती हो? पहले बताओ इस पेड़ पर कोई फल है? हाँ, हाथी और गजनी के पास बहुत सारे फल हैं। वो तुम्हें कुछ दे देंगे, पर हाथी को ये खबर दो कि उसके रिश्तेदार कीचड़ में हैं और शायद वो मुसीबत में हैं। अब जल्दी जाओ टासी। टासी, ये बहुत जरूरी है। अरे हाँ, माफ करना, मैं अभी गई और अभी आई। बात याद रखना बस। हेलो, आराम से। अनाली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम मेरा नाम जानते हो? हाथी और गजनी ने मुझे तुम्हें उनके यहाँ का रास्ता दिखाने भेजा है। दरअसल हमारा बेटा रूडी कहीं गायब हो गया है। अरे नहीं, उसे घूमना पसंद है। घूमते घूमते न जाने वो कहाँ चला गया। वो इस कीचड़ में गया था, पर यहाँ इतनी दलदल है और भारी होने की वजह से आगे नहीं जा सकते। मैं भारी नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं इसे दलदल से निपटना बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा जल्दी जाओ, मुझे फिक्र हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हेलो हाथी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे फल हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ, मोगली ने कहा मुझे तुम्हें फल देने चाहिए। हेलो दोस्त। मुझे मत खाना प्लीज, मुझे मत खाना। रुको, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम रूडी हो है ना? घबराओ मत रूडी, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे भेजा है। सच में? हाँ, और मैं तुम्हें उनके पास ले जाने आया हूँ। मैं भी वापस जाना चाहता था, सच्ची कहता हूँ, पर मुझे रास्ता नहीं मिला। हाँ, कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा मुझ पर गुस्सा है क्या दोस्त? अरे नहीं, वो तो तुम्हें सलामत देखकर खुश होंगे। अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। टेंशन तो अब शुरू हुई है मोगली। कौन सा वाला लू? हाँ, मुझे ये वाला चाहिए। कोई तो वजह होगी जो मोगली ने तुम्हें यहाँ फल लेने भेजा है। हाँ, वो चाहता था मैं तुम्हें कुछ बताऊँ। हाँ तो बताओ ना। वो बात थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये तो गलत बात है। यहाँ से निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है। ओ
दूसरा रास्ता नहीं है क्या मोगली? तुम ये कर सकते हो बिल्कुल हीटा और अप्पू की तरह। वो तो अपने आप को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। मैं भी उनसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। चकाला! ये तो रोजी है। रोजी! पाशा, रुको! तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं भूला। हमें इंसानी बच्चे पर भरोसा रखना होगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अरे ये कौन है? ये जकाला है। तुम दोनों मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? अब हम क्या करेंगे? मोगली ने कहा तुम मुझे फल दोगे, और उसके बदले मुझे बस तुम्हें कुछ खास बताना होगा। कौन सी खास बात? अभी याद नहीं आ रहा, सच्ची में। अरे हाँ, याद आया। तुम्हें मोगली से पूछना चाहिए। वो दलदल के पास कुछ हाथियों के साथ है जो किसी मुसीबत में है। वहाँ जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। और अब मैं फल खा लूँ? अरे ये कहाँ चल रही है? देखो वो रहे। मम्मा, पापा! रुको, वो रास्ता ठीक नहीं है, उस तरफ से चलो। तो यहाँ हो? अरे नहीं, तुम दोनों को मैं बिना लंच में बुलाए इलाके से कैसे भेज सकता हूँ? तो क्या तुम हमें खाना खिलाओगे? तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, तुम्हारा खाना खाऊंगा। जल्दी रूड़ी, ऊपर चढ़ो। मुझे डर लग रहा है। और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी चलो रूड़ी। रूडी! हमारा बच्चा, देखो वो वहाँ है। मम्मा, पापा, बचाओ! तुम्हें कुछ करना होगा, जाओ। पापा वहाँ देखो। हिलो मत। हो जाओ जकाला। किस्मत अच्छी थी इस बार, पर आइंदा मेरे इलाके में आने की जुर्रत मत करना। बाय बाय जकाला। ओ शुक्रिया मोगली, तुमने फिर कमाल कर दिया। मम्मा, पापा, रूजी। अब सभी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। माफ करना, माफ करना, वो मैं और इंतजार नहीं कर पाई। वो मैं। कोई बात नहीं डार्जी,
तुम्हारा हक बनता है। सच में? ओ हाँ, बनता है, सही में, सही में। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए। ये है जंगल।